सुप्रभात। सुबह सुबह भोजपुरी निवासियों सभी बिहार के लोगों और भारतवर्ष में रहे वाला सभी भोजपुरी वासियों को हमारे तरफ से लुक स्मार्ट चैनल यूट्यूब और अपने फेसबुक पेज टू और सुदर्शन टीवी चैनल के हेड के नाते सभी लोगों के हम प्रणाम करते हुए सबसे पहले आज के ताज़ा ताज़ा खबर से शुरू करता नहीं। DGP जो झारखंड के बारे में उनके अपॉइंटमेंट पर सुप्रीम कोर्ट प्रश्न खड़ा कर दे लें। सुप्रीम कोर्ट के कहे के बाद कि जो भी इनका DGP के जो नियुक्ति भेल बा ये बिल्कुल नियमक के विरुद्ध भेल बा, जो SC सुप्रीम कोर्ट के अवमानना के विरुद्ध है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये इन्होंने राज्य सरकार और UPSC से एक जवाब एफिडेविट करके मांगल गई। इत हल्का मचल बा पूरा झारखंड राज्य में पुलिसन के बीच में। आश्चर्य बा कि बालू खनन के में लिप्त जरा कि पीला सोनल कहा जा सकता है, टाइटल मिलल बा ऑपरेशन पीला सोना, एमे आपको 4 DSP रैंक के जो जिला में जर SDPO कहा जाला, वो SDPO जो सीधा जो गस्टेड ऑफिसर में आवेला लोग उ लोग भी ये धंधा में लिप्त रहे, जिनका नाम बा औरंगाबाद के अनूप कुमार SDPO रहें और पालीगंज के रहें तनवीर आलम SDPO रहें और SDPO डेहरी रहें संजय कुमार और SDPO भोजपुर के पंकज रावती। चारों आदमी भ्रष्टता में संलिप्त आ इकड़ा पर भी कोई आरोप पावल गया कि लोग बालू धंधा में जुड़ा रहे, लोग पैसा खात रहे, लोग ये लोग चारों DSP साहब लोग के मुख्यालय बुलाएल गया। जल्द से जल्द ये चारों जगह पोस्टिंग आज उम्मीदवार शाम शाम तक हो जाए। बेतिया में एक संदिग्ध हालत में 8 आदमी के मरे के सूचना मिलल बा, जरा पर काहे मरल बा पर मौत पर हंगामा हो रहा बा, लेकिन परिवार के लोग और पुलिस लोग काहे मौन बा समाचार आए तो विस्तृत रूप से हम बताएं। मोकामा में एगो बाढ़ में एगो पंकज कुमार रेल विभाग के इंजीनियर रहें, जैसा कि अपराधियों द्वारा गोली मार के उनकर हत्या कर दिल गई। पुनौना थाना में सही खैरा के पास एक बराती पार्टी जाते जर पर अपराधी लोग छीन झपटी करे खातिर उनमें गोली चलावल गई, जिनमें 2 बराती लोग काफ़ी गंभीर हालत में अब जख्मी बने, जरा अस्पताल में इलाज करावल जाता है। LJP पशुपति पारस काल अचानक 7 प्रदेश के हेड बना दिले, जिनमें बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष जो प्रिंस राज उन्हें उनके घर के भतीजा लिखा बढ़े उनका बना दें, बाकी राज्य जिनमें झारखंड UP महाराष्ट्र उड़ीसा त्रिपुरा नगर हवेली में प्रदेश अध्यक्ष के नियुक्ति कर दिलें। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 जिला के हवाई सर्वेक्षण के लिए और निर्देश देने सभी अधिकारियों के जल्द से जल्द बाढ़ वाला लोग के सहायता मिले के चाहिए। राजद्रोह पर कानून के खत्म होके पर सुप्रीम कोर्ट के एक ऑब्जर्वेशन आयल कि क्यों नहीं आपको राजद्रोह का मामला को केस कानून का ख़त्म किया जाता, और वहाँ के SC का यह रिमार्क हुआ कि आज़ादी के 15 साल के बाद भी क्या इस कानून को बनाए रखना जरूरी हुआ। आगे बढ़ला पर बताते हैं कि कल एक अजब घटना मधुबनी के SP पर वहाँ के जो जिला जज ADJ 1 की बड़का खबर अभी चल रहा बा कि अविनाश कुमार भैरवा स्थान थाना के एगो मुकदमा रहे लड़की का अपहरण के मामला रहे, उनमें जिनमें कड़ा रुख का अख्तियार करते हुए यहाँ तक कि अब जजमेंट में लिख दिलन कि SP मधुबनी के तो कानून के कोनो जानकारी नहीं के ना धारा लगाव के जानकारी बा, और यहाँ तक कि जब भी वहाँ के SP और DSP और थानाध्यक्ष के अलावा एक न्यायिक दंडाधिकारी जो कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट होला उकड़ों पर भी 4 आदमी पर सवाल खड़ा करके वहाँ के लिखा पढ़ी कर देनी, आदेश निर्गत कर देनी, और यहाँ तक कि ना वहाँ के ADJ 1 अविनाश कुमार जी ने सीधा एक पत्राचार पुलिस मुख्यालय के अलावा DGP से लेकर गृह मंत्रालय से लेकर राज्य केंद्र सरकार के पत्र भी लिख दिले। अपने पत्र में कोर्ट में यह टिप्पणी कैले बने कि मधुबनी SP को कानून और सुसंगत धारा लगाव के सही जानकारी नहीं किया। सोचल जा सकेला जहाँ के SP जब आयोग के ओकरा यह जानकारी न होके कि धारा का बिठावल जला, अब पूरा अगर सिस्टम अगर ध्वस्त होके तो समझ सकेला कि स्थिति बन रही तो का हो सकेला। फिर हम फिर कल फिर मिले भोजपुरी समाचार में अपडेट के साथ लोक स्मार्ट की तरफ से सबन के एक साथ। जय हिंद।